अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज जुम्मे का दिन है और टाइम अभी 3 बज रहे हैं। मैं ऑफिस आया हुआ था एज यूजुअल और मुझे सलमान भाई की कॉल आई, बोल रहे हैं भाई वीकेंड है, कोई प्लान बना लो। तो फिर हमने आपके भाई ने बना लिए प्लान एडवेंचर ट्रिप का, सही है। अब वो एडवेंचर ट्रिप क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं और हमने क्या करना है वहाँ जाके, ये सब देखने के लिए आप वीडियो देखें, मैं आपको सारा दिखाता हूँ आगे तक। लेकिन भाई ये एडवेंचर ट्रिप होने वाला है फुल, इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ और मज़ा आप लोगों को बहुत आने वाला है। मज़ा ना आए पैसे वापस। तो चले अभी मैं घर जा रहा हूँ ऑफिस से, घर जाके तैयारी पकड़ते हैं, सामान अपना रखते हैं गाड़ी में और फिर निकलते हैं आगे एडवेंचर ट्रिप पे, सही है। वो ट्रिप तो भाई क्या है वो तो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। अच्छा, अभी तक जो आपने मेरे ट्रिप्स देखे थे वो थे फैमिली ट्रिप्स, अब ये वाला जो ट्रिप मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है बैचलर्स ट्रिप। तो चले लेट्स गो टू द पार्टी। चलें जी, घर आ गए, घर में चलते हैं, अभी बेगम से इजाज़त भी लेनी है, दुआ करें इजाज़त मिल जाए ट्रिप की। अस्सलाम वालेकुम, मौसम यहाँ सो रहे हैं। बेगम मैं टूर पे जा रहा हूँ, जाऊँ? चलो भाई, सामान वगैरह रेडी हो गया है और चलो मोहसिन, अल्लाह हाफिज़। क्या मोहसिन जाएगा? हाँ। बेटा अभी बाबा आ रहे हैं, फिर आप जाना। ओके, हाथ मिलाओ। हाँ। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ ना। क्यों क्यों मौसम जाएगा? बात सुनो, अभी बाबा जा रहे हैं, फिर बाबा थोड़ी देर में आएंगे वापस, फिर मौसम जाएगा। ओके, हाँ ना, चलो सलाम कर लो, हाथ तो मिलाओ। हाँ ना, क्यों है? मोहसिन जाएगा? हाँ। बाबा के साथ जाएगा? हाँ। बेटा बाबा तो अभी जा रहे हैं, मोहसिन नहीं जा सकता। जा सकते हैं। बाबा बहुत मुश्किल एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हैं, मोहसिन कैसे जाएगा वहाँ पे? मोहसिन को चोट लग जाएगी, मोहसिन को चोट लग जाएगी ना। चोट नहीं है। मोहसिन को चोट नहीं लगती? नहीं लग जाएगी। अभी आप बाबा से सलाम करो। अच्छा, चीज़ खाओगे? चीज़ और चीज़ दो। नहीं, ये नहीं। फिर नहीं। चलो ना, बाबा को जाने दो। नहीं। क्यों? मोहसिन, मोहसिन भी जाएगा? हाँ। बेटा मोहसिन नहीं जा सकता अभी, बैठते थे ना। अभी आप थोड़े से जब बड़े हो जाओगे ना फिर आप जाना मोहसिन, फिर मोहसिन जाएगा। नहीं। अच्छा भाई, मोहसिन तो बहुत उदास हो रहा था लेकिन उसको अभी हम छोड़ के निकल आए और सफ़र स्टार्ट हो गया है। और ये बादल बहुत शदीद किस्म के आए हुए हैं और बारिश किसी भी लम्हे हो सकती है, तो चलें आगे देखते हैं कि बारिश अब होती है हमें या कहाँ मिलती है बारिश। तो भाई बारिश शुरू हो गई है बहुत शदीद वाली, यहाँ पे अभी हम निकले हुए हैं हैदराबाद के रास्ते में, बहुत शदीद किस्म की बारिश शुरू हो गई है। जी अहसान, डर तो नहीं लग रहा आपको बारिश में? हम तो इससे भी ज्यादा थे, बर्फबारियों में रहता। क्यों भाई, कहाँ से आए हो तुम? मरी से। मरी में? मरी में इससे भी ज्यादा देखी है तुमने बर्फबारी में? तो होती है। तो भाई बारिश बहुत शदीद हो रही है, देखें कुछ नजर नहीं आ रहा, विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे? विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और अभी हमें निकले हुए कितने टाइम हुए हमें? हम 3 बजे निकले, अभी कोई 4:15 हो रहा है, 3 बजे निकले हम। अभी ये देखो बहुत खतरनाक बारिश ने घेर लिया है हमें, कुछ भी नज़र आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा आगे का। आगे उस्मान भाई हैं, सलमान भाई हैं, मैं हूँ, ये आसान है, हम दोनों छोटे हैं, तब छोटा होने का नुकसान यही होता है कि पीछे बैठना पड़ता है। चलें क्या करें, अल्लाह ने बनाया छोटा। ऑफिस में नहीं, कहाँ लगाना भैया?
बीच में शीशे के पास तो खुद लगा बीच में खुद लगाएगा इधर ही नहीं नहीं ऊपर शीशा जहाँ शुरू हो रहा है नीचे इधर लगा तो कुछ लगा हुआ है पहले से अरे ना नीचे इसके नीचे लगा दो इसके नीचे लगा दो लगा वैसे वो बाहर से बाहर से नहीं अंदर से लगता है नहीं ना ये टैक्स है तो साफ करें ये दवा का होगा ना जापान का होगा नहीं ये टैग नहीं दो उसको बताओ तो 2000 करे उसको बोलो यार 2000 पॉप अप कर दो क्यों फिर ये तो जा रहे हैं दो कदम अरे भाई तो भोपाल में काम आ जाएगा ना भाई ये ट्रक ने रास्ता रोक दिया क्या यहाँ नहीं आओ भाई वहीं से जाओ निकाल बारिश के मौसम में ऐसे नहीं निकालते वो निकली है गाड़ियाँ हमसे पीछे वाली निकल गई ये देखिए गाइस इस वक्त शदीद बारिश हो रही है बारिश आहिस्ता हो गई है बादल भी जा रहे हैं 700 एम्प्लॉइज हैं और 40 हर तरफ तबाही फैली पड़ी है ये चाचू बैठे हुए मुझे बहुत डर लग रहा है बारिश ऐसी बहुत खतरनाक है इस बारिश में एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं अल्लाह ताला बस दुआएं शुआएं पढ़ के हम चल रहे हैं आस्ता आस्ता अल्लाह ताला बस आसानी वाला मामला करें तो चलें चलते हैं फिर आगे जब बारिश रुकती है तो दिखाते हैं आगे और मामला चलो भाई बारिश रुक गई है बारिश रुक गई है अल्हम्दुलिल्लाह और बादल जा रहे हैं कायम बादल बादल अभी भी है भाई बादल है अभी भी और आगे बारिश हो सकती है किसी भी लम्हे ट्रक वालों ने तंग किया एकदम बीच में आ जाते हैं बारिश भी हो रही है ब्रेक भी कमी लगती है जी आसान क्या इलाज है इन ट्रक वालों का डंडा मारेंगे डंडा मारेंगे बसों वालों की तरह के शीशे पे अच्छा सिचुएशन बड़ी खराब है ये तो मजे के सिचुएशन बड़ी खराब है क्यों क्या हुआ लोग ऐसे खा के कैसा है सर यार मुझे तो खिला दो क्या रुपए 120 क्या 150 में दे रहे हैं 180 रुपए लगाएंगे अच्छा भाई इधर मोरो हम पहुंच चुके हैं और रास्ते में बहुत शदीद किस्म की बारिश थी और लेकिन अभी टाइम क्या हो रहा है भाई अभी मगरिब होने मगरिब का टाइम हो गया है अभी हमें चलते चलते और 7:30 का टाइम हो रहा है बारिश तो बहुत गिर रही है हमें जी अस्सलाम आपको डर तो नहीं लगा बारिश में हमें नहीं लगा आपको पहले भी मैंने बताया था हैं हम मरी के अंदर रहे बर्फबारी में हाँ तो भाई अभी लेकिन बारिश तो खैर बहुत हो रही थी लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम मोरो पहुँच गए तो चलें आगे चलते हैं आगे देखते हैं कि हम अभी नमाज़ वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है मगरिब की और चाचू ने जमात कराई है अब रवाना हो रहे हैं आगे के लिए तो चलें आगे फिर बताते हैं आपको जो ठीक है सब कुछ कहना है अपने हाँ वैसे ये एक बात बताऊँ सिंध के इलाके में आपको हर तरफ वडेरे वडेरे दिखेंगे उनके गार्ड अभी दिख गए वडेरे हाँ ये दिख गए ये यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी ये डाला सुंदर से गार्ड उसका तो ये देख लें गाइस इस वक्त हम लोग गाड़ी में जा रहे ये मोरो और सखर के बीच में एक जगह है यहाँ पे खाने के लिए थोड़ी देर ब्रेक लिया है अभी बहुत थकावट हो गई है यार बहुत जो है आज ट्रैवल हो गई है रात का ट्रैवल में यार बहुत थकावट हो जाती है एक अच्छा होटल हमें दिखा था हमने बोला चलो यहाँ पे ब्रेक लिया जाए थोड़ा और खाना वगैरह खाया जाए चलो यहाँ से खाना खाते हैं फिर आगे मूव करते हैं इंशाल्लाह हम आगे पहुँच चुके हैं जीटी रोड पे जीटी रोड तो आप लोगों को पता ही है थोड़ा वैसे नहीं तो तुम यहाँ पे कैसे आ गए हम तो छोड़ा पार्टी में जा रहे हैं तुम कैसे आ गए एडवेंचर हम तो छोड़ा पार्टी मारने जा रहे हैं तुम कैसे आए मैं तो एडवेंचर ट्रिप पे जा रहा हूँ अच्छा तुम भी छड़े हो अच्छा तो ये हम जा रहे हैं अभी हम मोरो पे शायद पहुँचेंगे अब मोरो से तो निकले हैं अभी हम सखर टू
अच्छा भाई ये इधर हम का सखर के पास पहुंच गए और टाइम अभी 10 बज रहे हैं यार। सखर आ नहीं रहा भाई, सखर कब आएगा? हालत बुरी हो गई जीटी रोड पे चलते चलते। हसन क्या हाल है तुम्हारा? मेरी तो हालत टाइट हो गई है। अब सखर आए जल्दी से, मोटरवे पे चढ़े तो कोई बात बने। अभी हम पेट्रोल भरवा रहे हैं यहाँ से। जीटी रोड पे जो भी है हालत बुरी हो जाती है क्योंकि ट्रैफिक यहाँ अजीब सा होता है ना। और कोई यहाँ से बाइक आ रही है, कोई ट्रैक्टर आ रहा है, कोई ट्रक इधर आ रहा है। ट्रक वाले बहुत बदतमीजी से चला रहे होते हैं, रास्ता भी नहीं दे रहे होते और टाइम भी इसलिए बहुत लगता है। तो अभी सखर से हम मोटरवे पे चढ़ते हैं ना तो फिर मज़ा आ जाएगा, फिर जिंदगी में सुकून ही सुकून आ जाएगा, सुकून ही सुकून। तो चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं फिर आपको दिखाता है आगे जब सखर पहुँचते हैं। चप्पलें वप्पलें उतार के मैं बैठ गया हूँ यहाँ पे। और हसन की भी हालत टाइट हो गई है, बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं यहीं खड़ा हूँ। चलो ठीक है आ जाओ, चलो हम भी थोड़ा सा उतरते हैं नीचे देखते। आए, 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 आए। अब नहीं, नहीं। कितने दिन से? तकरीबन 9:15 आती है, 12:15 चली जाती है। अच्छा कितने दिन से ये मामला? जब से पैदा हुए। अच्छा तो आप सोलर चलाते हो दिन में? दिन में सर। रात में छुट्टी? रात में छुट्टी, जब गाड़ी आ गई तो जनरेटर चला दिया, नहीं आए तो ये तो बड़ी यार जुल्म की बात है। बीच में खड़ी नहीं है बसें भी, बस अब चढ़ है ना मोटरवे पे, अब पहुंच जाएंगे। क्यों जीटी रोड से मोटर वे पे जब चढ़े तो बंदा समझता है जैसे जन्नत में आ गया। क्यों? मजा तो उसी में, सुकून है गया ना रोड पर। जान छुटती है, साफ रोड मिलता है, सीधा सीधा जाते बंदा, पता है आगे कोई रेडी वाला नहीं आएगा, कोई फेरे वाला नहीं आएगा। ये तो है, सुकून वाली जिंदगी हो जाती है मोटर पे चढ़ के। सुकून तो सिर्फ कब्र में, सुकून कब्र में, तो हम कब्र में आ गए। सिर्फ कब्र में ये भी थोड़ी सी सहूलत हो जाती है। अच्छा भाई 12 बज रहे तो 3:30 बजे के हम लोग निकले हैं कराची से, अब 12 बजे हमें मोटर पे आ गए। चले आगे देखते कि कितना सफ़र, कितना टाइम लगता है बाकी सफ़र। छोटे से क्या होता है ये, क्यों मनाया हुए तीन तीन बंद रखे हुए आपने? वो ऊपर ऊपर ग्रीन लगाया हुए और आगे वो बैरियर लगाया हुए। यार आप एक मिनट ना, एक मिनट, आप इसको यहाँ इसके अंदर आपको बैठने की जरूरत नहीं है इधर, ये एम टेक ले रहे हैं ना आप, वहाँ बैठो जाके। तो भाई यहाँ है रहीमे खान, हम पहुँच गए यार। रास्ते में बहुत बारिश थी, बहुत थकावट हो गई है, अभी तकरीबन 2 बजे का टाइम है, हम यहाँ पे रहीमे खान पहुँच गए यार। अब कल का जो दिन है ना बहुत मज़े का होने वाला है, फुल ऑफ एडवेंचर है।
और कल हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है यहाँ पे, सही है, इसी आने का मकसद भी यही था। तो अभी जो है कल इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अभी आज तो बहुत थकावट हुई हुई है और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है क्योंकि तकरीबन 11 घंटे लग गए हमें यहाँ आने में, रास्ते में बारिश थी, सारी चीज़ें थी तो काफ़ी टाइम लग गया ज़्यादा। तो चलें अभी मैं सो रहा हूँ, फिर सुबह मैं उठ के आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अल्लाह हाफिज़।